नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। राजस्थान के पेपर लीक केस में कोचिंग सेंटर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक में जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली है। अभी तक बता दें कि मुख्य आरोपी सुरेश ढाका फरार चल रहे हैं और अब तक दो पर मामला दर्ज किया गया है। 57 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर लगातार पेपर लीक केस में कोचिंग सेंटर पर बड़ा एक्शन लिया गया है और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में जेडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और साथ ही अभी तक सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। लगातार उनकी तलाश जारी है और अब तक दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 57 की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले को लेकर और शिक्षक भर्ती की लीक में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुरेश ढाका लगातार फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। और राजस्थान से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर पेपर लीक केस में कोचिंग सेंटर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसमें सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है वे अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। और साथ ही अब तक इस मामले में बता दें आपको कि दो पर मामला दर्ज है, 57 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये पेपर लीक मामला था जिसके बाद से जो मुख्य आरोपी है सुरेश ढाका वे लगातार फरार चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। देश की राजधानी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घर के अंदर जहां लोग की कपकपी छूट रही है तो वहीं बाहर भी शीतलहर और कोहरे की हालत देखने को मिल रही है। बता दें कि ठिठुरने वाली ठंड के बीच दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चादर में लपटे हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके घने कोहरे में गुम है। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां भी रेंगती हुई नजर आ रही है और साथ ही बता दें कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेकर लोग सड़कों पर निकले हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 5:30 बजे पंजाब के बठिंडा में, यूपी के आगरा और बरेली, साथ ही लखनऊ में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में भी जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं इसके अलावा अमृतसर की बात करें तो वहां भी 25 मीटर का रिकॉर्ड है विजिबिलिटी का और साथ ही दिल्ली के सफदरजंग में और साथ ही पालम में 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रखंड बता दें कि प्रचंड ठंड और कोहरे से आज राहत मिलने की संभावना नहीं दिखती हुई नजर आ रही है। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा लेकर रहने को मजबूर है और साथ ही बता दें कि ठंड और कोहरे में डबल मार झेल रही दिल्ली अब विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां ट्रेन के साथ साथ उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें जो है लेट हो रही है और कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही बता दें कि ट्रेनों की भी निर्धारित समय से लेट चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में सुबह करीब 5:30 बजे से न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई विमानें जो है इसमें लेट चलती हुई नजर आ रही है। लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर लगातार बता दें कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और इसको लेकर अभी दिल्ली में स्कूल की क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है और ऐसा हो सकता है कि स्कूल और ज़्यादा बंद किया जा सके। वहीं आपको हम बता दें कि बिहार की स्थिति बता दें कि 15 जनवरी तक स्कूल को बंद करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। और भीषण ठंड के बीच में ये दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कड़ाके की ठंड में लोग किसी तरह अलाव का सहारा लेकर सड़क पर रहने को लगातार मजबूर है और यहाँ पर विजिबिलिटी 2.2 दर्ज की गई है। साथ ही बता दें कि यहाँ के भीषण ठंड के कारण लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इस ठंड का असर जहाँ ट्रेनों पर और भी वाहनों पर देखने को मिली, वहीं इसका असर उड़ान पर भी देखने को मिल रही है। बता दें कि स्टेशन पर लोग ट्रेनों का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हुए नजर आए और साथ ही बता दें कि उड़ान को लेकर भी
कम विजिबिलिटी होने के कारण कई उड़ानों को लेट से उड़ान उड़ने की अनुमति दी जा रही है। और साथ ही बता दें कि लगातार लोग एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली जो है वे अब कोहरे की चपेट में आ गई है। और दिल्ली में ये दोहरी मार देखने को मिल रही है। दोहरी मार इस तरीके से बता रहे हैं हम, क्योंकि एक तरह जहां दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, वहीं अब दिल्ली में कोहरे के कारण, कोहरे में 2.2 विजिबिलिटी के कारण लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वे रेंगते हुए नजर आ रही है और काफ़ी लोग इस दौरान अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि भीषण ठंड, दिल्ली में भीषण ठंड की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि स्कूलों को लेकर अब कब तक स्कूल बंद रहेंगे इसको लेकर अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई है। लेकिन बिहार की बात बता दें, बिहार में जिस तरीके से ठंड का असर देखने को मिल रहा है उसको लेकर सरकार की तरफ से अब 15 तारीख कर दिया गया है, 15 तारीख तक स्कूलों को बंद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्राजीलिया में एक बार फिर से हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के विरोध में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए बता दें कि सांसद भवन में घुसते हुए नजर आए, वहीं राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में भी घुस गए। ऐसी ही 2021 में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के बीच देखने को मिला था, जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा और उनके समर्थकों को ये मंजूर नहीं था। और इस दौरान यही स्थिति उस वक्त देखने को मिली थी जिन्होंने बता दें कि यूएस के कैपिटल पर 6 जनवरी को हमला कर दिया था, जिसमें कई कर्मियों ने जान जाते जाते बची थी। ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले झंडे लेकर कपड़े पहने हुए थे और साथ ही बता दें कि समूह के लोग सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए और वहां उन्होंने आसपास जमा हो गए। और साथ ही एक वीडियो भी दिख रहा है, आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी स्पीकर डायल पर चढ़ के वहां पे बता दें कि लगातार आप देखिए वहां पर सड़कों पर किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है। और एक तरफ दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, वहां दूसरी तरफ जो कर्मी हैं हरे और पीले रंग के शर्ट टी शर्ट पहने वहां लोग नजर आ रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और बता दें कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद है और किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रवेश करने के साथ ही दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए दिखाई दिए प्रदर्शनकारी। और साथ ही बता दें कि सांसदों के कार्यालयों को भी तोड़ते हुए यहां प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। उन्होंने बैनर को बता दें कि फहराने की कोशिश भी की है और तस्वीर देखिए किस तरीके से इस दौरान प्रदर्शनकारी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ देखिए सड़कों पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरे तरफ प्रदर्शनकारी जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीर 2021 में देखने को मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इस तरीके का प्रदर्शन किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से उनके समर्थक जो है इसको स्वीकार नहीं कर पाए थे और इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और यही तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को समर्थन राजधानी ब्रासिलिया में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते ही यहां पर बता दें कि लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के विरोध में प्रदर्शनकारी पुलिस और बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए नजर आए वहां पर प्रदर्शनकारी। और इस वक्त वहां पर काफ़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहां पर एक तरफ से लोग इस हार को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ज़बरदस्त वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त लोगों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर देखिए लोगों का किस तरीके से हुजूम देखने को मिल रहा है। और एक तरफ यही तस्वीर हमें उस वक्त अमेरिका में 2021 में देखने को मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है
को हार का सामना करना पड़ा था और उनके समर्थकों को इस तरीके से ही उत्पात मचाते हुए नजर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की पहली बैठक बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू होने जा रही है। G20 की पहली बैठक आज न्यू टाउन के विश्व बंगला बता दें कि कन्वेंशन सेंटर पर शुरू होने जा रही है। 9 से 11 जनवरी तक होने वाली 3 दिवसीय बैठक में कई चर्चा सत्र और साथ ही बैठकें आयोजित होगी। इसमें भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा भी लेंगे और सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक को लेकर कोलकाता को सजाया जा रहा है और साथ ही तैयारियां अब अंतिम चरण में है। यह बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में होगी। इस बैठक में वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीके और उभरती तकनीकों के उपयोग के लिए अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने और साथ ही प्रेषण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और प्रेषण हस्तांतरण को लागत घटाने और वित्तीय संरक्षकता और उपभोक्ताओं को संरक्षण देने जैसे तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर दूसरी के बीच डिजिटल विभाग को कम करने जैसी विषयों पर चर्चा की जा सकती है। G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए देश विदेश के मेहमान कोलकाता पहुँचने लगे हैं। उसमें पहले बता दें कि तिलोत्तमा में नए सिरे से सजाया गया है। इस बैठक में 19 देशों के प्रतिनिधियों को अतिरिक्त IMF और केंद्रीय वित्त मंत्रालय नबार्ड विभिन्न बैंकों और साथ ही वित्तीय संस्थाओं के 60 से 65 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कोलकाता में ये बैठक G20 की होने वाली है, जिसको लेकर कोलकाता को सजाया गया है और इसको लेकर इस बैठक में तमाम चर्चाएं होंगी और 19 देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे, जिसको लेकर लगातार कोलकाता में प्रतिनिधियों का आने का दौर जारी है। और अब ये तैयारी को अंतिम चरण दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधि देखने को मिलेंगे और 60 से 65 प्रतिनिधि इस बैठक में बता दें आपको कि हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच हुई लड़ाई अब निगम के एडमिनिस्ट्रेट उपराज्यपाल तक आ गई है। हर किसी की नजरें अब LG की ओर लगी हुई है। वे इसे लेकर क्या एक्शन लेते हैं? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने LG VK सक्सेना पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आरोप लगाया है कि LG के निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों के बजाय BJP के कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से एल्डरमैन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 243R कहता है कि एडमिशन में वे लोग होंगे जिन्होंने निगम प्रशासन की खास अनुभवी होगा। साथ ही बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के LG ने चुनी गई सरकार को दरकिनार करके बेमानी से BJP के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सदस्य बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया है कि LG ने BJP के जिला स्तर के नेताओं के साथ प्लान बनाया कि जोन के अंदर चेयरमैन BJP का बन जाए। सौरभ ने आगे कहा है कि नैतिकता के पहाड़ पर चढ़कर CM केजरीवाल को गाली देने वाले LG BJP के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर ले आए। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि मानदंडों के मुताबिक देखें तो सत्या शर्मा की जगह पर नीमा भगत को MCD का पीठासीन अधिकारी होना चाहिए, लेकिन यहां भी बेमानी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि BJP और LG प्रोटेम मेयर को लेकर बेईमानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जरिए वे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ करवाना चाहते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी 5 साल तक कोर्ट में लड़ती रहे और BJP बेईमानी से MCD की सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना साधते हुए कहा है कि BJP को रोकने की कोशिश का दिखावा करती है कांग्रेस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 से ज्यादा परिवार को शिफ्ट किया जा चुका है। बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट पर विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि जमीन का धसना मुख्य रूप से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तपोवन विष्णुगट जल विद्युत परियोजनाओं का कारण है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि लोग पर्यावरण के साथ ही इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं, पुरानी स्थिति को फिर से बहाल कर पाना मुश्किल होगा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिना किसी योजना के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और भी कमजोर बना रहा है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वारा जोशीमठ के सैकड़ों घरों को दरारें आ गई है। जोशीमठ के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को बताया है कि जोशीमठ को भूस्खलन के व्यापक खतरे वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं 60 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी राहत केंद्रों को स्थानांतरित कर दिया गया है। जमीन स्तर पर स्थिति की निगरानी करने वाली समिति के मुख्य कुमार ने कहा है कि नुकसान की सीमा को देखते हुए कम से कम 90 और परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुष्कर जुड़ गए हैं, चमोली से हमारे संवाददाता है पुष्कर। जिस तरीके से जोशीमठ की जमीन जो है वे धसती भी नजर आ रही है और काफी घरों में दरारें देखने को मिल रही है, और इस दौरान जो सीएम है, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने खुद जमीन स्तर पर जाकर इसका निरीक्षण किया, तमाम तरीके के निर्देश उन्होंने दिए थे। क्या कुछ इस दौरान सीएम धामी का कहना था पुष्कर? बिल्कुल, देखिए समाली, आपको बता दें कि जोशीमठ में जिस तरह से जो दरारें, आपने कहा कि जिस तरह से 610 मकान है में यहाँ पे दरारें आ चुकी हैं, यानी 610 जो मकान हैं इनमें रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि सिल्पा चमोली प्रशासन की अगर बात करी जाए तो जब तक चमोली प्रशासन ने जो है 90 से ऊपर लोगों को, जिन लोगों के घर पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनको जो है 90 से अधिक परिवार है जिनको जो है जोशीमठ से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन लगातार जो है, जो भी हो, चाहे आप रहने की हो, चाहे आप खाने की हो, चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, क्योंकि ऐसे में जो है यदि किसी का असहना उजड़ जाता है, उखड़ जाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है जो 90 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, और कड़ाके की सर्दी जो है इस समय पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। तो इसको लेकर जो है प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ का दौरा किया है और जो है जोशीमठ की जनता को जो आश्वासन दिया है कि ऐसी अनहोनी यहाँ पे न होने दी जाएगी, और इसके लिए जो है तमाम सारे आला अधिकारी हैं, चाहे आप पीएमओ की आप बात कर लीजिए, यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है पुष्कर सिंह धामी, जो है हाई लेवल की मीटिंग जो है लगातार करे, चाहे वो भू वैज्ञानिक हो और तमाम सारे लोग हों, चाहे आप जो है आपदा प्रबंधन सचिव अभी भी यहीं बैठे हुए हैं और गढ़वाला से, कि 3 दिन में इनको रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को भी भेजनी है, उसके बाद जो है पीएमओ कार्यालय इस रिपोर्ट को भेजना है कि जोशीमठ को लेकर। पुष्कर, जिस तरीके से, बिल्कुल पुष्कर, जिस तरीके से इस मामले को लेकर सीएम धामी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की पूरी जानकारी दी है, जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आ रही है, और अब इसको लेकर दिल्ली में भी बैठकें होंगी, इस दौरान तमाम तरीके की चर्चा होंगी, जो किस तरीके से जोशीमठ में जो चीजें हो रही है उसको रोका जा सके, क्या मुख्य कारण इसको लेकर हो सकता है? जोशीमठ में जिस तरीके से पहाड़ों में विस्फोट किया जाता है और जिस तरीके से तमाम वहां पर पर्यटक की चीजों को विकसित करता हुआ देखा गया है, क्या ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से जोशीमठ की हम ये तस्वीर देख रहे हैं पुष्कर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि आपने कहा कि पीएमओ कर रखी की आज 2 टीमें यहाँ पे पहुंचनी है, दिल्ली से भू वैज्ञानिक की टीमें यहाँ पे पहुंचनी है जोशीमठ पहुंची, और एनडीएम की टीमें जो है जोशीमठ में पहुंचनी है, और ये भी यहाँ पे जो है देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पे भूमि का जो फटना है या पानी निकलना है या जिस तरह से जो दरारें यहाँ पे आई है इसका यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण ये दोनों टीमें करेंगे, और उसके बाद जो है शाम को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष भी अपने रिपोर्ट रखेंगे और वार्ता करेंगे। हालांकि लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी से लेकर मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके जो है विपक्ष के नेता हो, चाहे आपके जो है कोई भी आला अधिकारी हो या आला पार्टियां हो, सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे जो है पुष्कर सिंह धामी को लेकर अभी कहा जाए कि सबसे बड़ा संकट जो है इस समय जोशीमठ को बचाने का लेकर है, उन 603 परिवारों को बचाने को लेकर है जिनके घरों में दरारें आ गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात सुनाली, एक बात मैं और बता दूं कि इससे पहले जब रैनी आपदा आई थी तो उस समय भी जब जिस तरह से जो नदी का जो कटाव था, हो सकता है कि नदी के कटाव से हो, लेकिन ये भू वैज्ञानिक बता पाएंगे कि या विस्फोट से इस तरह की जो घटना हुई है या जो नदी का जो अलग नदी का जो कटाव था इससे हुई है, लेकिन ये अभी
जांच का विषय है, इस पर जांच चल रही है कि किस कारण जो है जमीन फट रही है, जमीन धंसी है, मकानों में दरारें आ रही, बड़े बड़े होटल व्यवसाय जो है यहाँ पे ठप हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी भी और जो दिल्ली पीएमओ के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ जोशीमठ पहुंचेंगे और यहाँ पे एक समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है आज शाम को जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून में जो है एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि 3 दिन का वक्त दिया गया था कि इस मीटिंग को, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा टालने, उस खतरे को टालने की कोशिश पूरी चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो लगे हुए हैं। हालांकि आज की जो मीटिंग होगी या आज की जिस जो दिल्ली की जो टीमें यहाँ पे पहुंच रही है, अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जोशीमठ में पहुंचने वाली है, और अगर स्थानीय प्रशासन की अगर मैं बात करूँ सुना तो स्थानीय प्रशासन चाहे वहाँ पे स्थानीय प्रशासन हो या जिला अधिकारी हो या तमाम सारे लोग हों चाहे क्षेत्र के लोग भी अब सामने आने वाले हैं कि पांडुकेसर की अगर मैं बात करूँ तो पांडुकेसर के लोगों ने भी जो है यहाँ पे जो आश्रय देना जो है जो लोगों को शुरू कर दिया है, क्योंकि पहाड़ों की जो विडम्बना है, पहाड़ों की जो दशा है, या तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं खराब हो जाती है, सड़कें खराब हो जाती है, ऐसी अनहोनी घटना को न हो जोशीमठ को लेकर तो सभी लोग अब जो आगे आ रहे हैं। हाँ, हालांकि आज जो पीएमओ के अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं या एनडीएम के जो कर्मचारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हाई लेवल की मीटिंग किस तरह से होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जोशीमठ को लेकर जो है पूरी सरकार है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, यहाँ पे संवेदनशील से काम कर रही है और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। पुष्कर, कितने फैमिली को शिफ्ट कराया जा चुका है और कितने घरों में दरार देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखे सोनाली, सबसे बड़ी बात यही है कि कितने घर, अभी 90 से ऊपर लोगों को जो है जहाँ रहने लायक नहीं है, 90 से अधिक लोगों को जो है शिफ्ट कर दिया है, और जो 609 घर हैं, 609 घर यानी 9 वार्डों में 609 मकानों में यहाँ पे दरार आ चुकी है। हालांकि अभी जो शंकराचार्य का जो कल जो शंकराचार्य का जो मंदिर है, इसमें जो दरारें यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे जो शिवलिंग है इस पर जो है दरारें देखने को मिली। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में जो है भारी से भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 500 साल पुराना कल्पवृक्ष भी यहाँ पे है, शंकराचार्य की जहाँ पे तप किया था वो स्थलीय यहाँ पे है, तो इसको लेकर जो है तमाम सारे लोग हैं। हालांकि इसको लोग जो प्रोजेक्ट की आपने बात करी सोनाली, प्रोजेक्ट को लेकर चाहे वो सेलंग वाला हो, चाहे वो हेलंग वाला हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे PHC हो, तमाम सारे बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हालांकि इस समय रोक लगा दी गई है, लेकिन जो काम यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कि जो टनलों के अंदर से जो बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होते हैं या टनल के नीचे से जो मलबा निकलता है, हो सकता है कि ये दरारें हों, क्योंकि पानी का जिस तरह से रिसाव जोशीमठ के पूरे इलाके में देखने को मिलना है, ये भारी खतरे का निशान था। हाँ, हालांकि भूवैज्ञानिक की टीमें यहाँ पे पहुंची हुई हैं, दिल्ली से यहाँ पे भू सर्वेक्षण की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे बताए गए। लेकिन जिस तरीके से अब लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, परिवारों को कई जगहों, कई लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन देखा ये जाए तो जोशीमठ जो है इससे बद्रीनाथ धाम जो है वो सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है, और हेमकुंड साहिब की बात करें तो वो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है, तो कहीं ना कहीं पर्यटक पर भी इसको लेकर एक अलग ही नुकसान सरकार को देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्यटक भी है जो, अब पर्यटक को भी आने में इसको लेकर डर लगेगा, उनको भी ये फील होगा कि जिस तरीके से वहाँ के लोग ही अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। पुष्कर, बिल्कुल देखिए सोनाली, सही आपने सही कहा कि जिस तरह से जो पर्यटन नगरी से उत्तराखंड को जाना जाता है, जोशीमठ एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे मुख्य पड़ाव है, चाहे भूपैकुंठ बद्रीधाम हो, चाहे हेमकुंड साहिब हो, चाहे आपका होली हो, चाहे आपका तमाम सारे, क्योंकि ये केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि हर लोग जो है जोशीमठ में पहले जाना चाहता है, उसके बाद कोल्डी का रुख करेगा, उसके बाद जोशीमठ जैसे जो है हेमकुंड साहिब का रुख करेगा, और उसके बाद जो है भगवान बद्री विशाल की तरफ जाएगा। तो 45 किलोमीटर की जो दूरी है, 45 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे जो पर्यटक पहुंचेगा या पर्यटक डर की साय में यहाँ पे पहुंचेगा, तो पर्यटन व्यवसाय को बहुत नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अब 2023 की जो यात्रा होगी वो किस तरह से होगी वो देखने वाला समय बताएगा, लेकिन पर्यटक भी अभी जो है कम मात्रा में जो है उत्तराखंड आ रहा है, और जोशीमठ की अगर खासकर मैं बात करूँ तो जोशीमठ में कोई यात्री समय ठहर नहीं रहा है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग यहाँ पे है वो, क्योंकि व्यापारी वर्ग यहाँ पे रहता है, चाहे आप जोशीमठ की बात कर लीजिए, होली की बात करें, क्योंकि होली में समय जो है पर्यटक पहुंचता है और बर्फ का इंतजार करता है, तो ये एक ऐसी घटना जोशीमठ में हुई है कि जिस वजह से जो है पूरा उत्तराखंड ही डरा हुआ नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में समय जोशीमठ एक ऐसा नेशनल न्यूज बनी हुई है कि जोशीमठ में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जिस वजह से जो कि यहाँ पे जो है जमीनें फट रही हैं, मकानें फट रही हैं, तो नुकसान तो पर्यटन को भी है। हाँ, हालांकि जो पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहा है उनकी व्यवस्था जो है
सरकार भी कर रही है, तो स्थानीय प्रशासन भी चाहे रहने की हो चाहे खाने की हो चाहे आपका मेडिकल स्वास्थ्य से हो, तमाम सारी सुविधाएं जो है उत्तराखंड सरकार भी मुहैया करा रही है। और जो स्थानीय प्रशासन वहाँ का, सबसे बड़ी दिक्कत जो है स्थानीय प्रशासन को लेकर है, क्योंकि आर्मी का जोशीमठ की मैं बात करूँ तो 1.5 किलोमीटर का जो एरिया आर्मी वाला है, इसको जो है परसों ही खाली करा दिया गया था, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। पुष्कर जिस तरीके से, बिल्कुल पुष्कर जिस तरीके से जोशीमठ की ये तस्वीर हम देख रहे हैं और कई परिवारों को शिफ्ट किया गया है, और जिस तरीके से सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब कोई भी विस्फोट का काम या कई तरह के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं पुष्कर इसको लेकर अलकनंदा नदी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से जोशीमठ की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका पुष्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से जोशीमठ की यह तस्वीर हम देख रहे हैं, बता दें आपको कि जोशीमठ में 610 मकाने हैं जिसको शिफ्ट कराया जा चुका है, तमाम परिवारें हैं जिसको शिफ्ट कराने की बारे में चर्चा चल रही है। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी खुद जमीनी स्तर पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया था, और इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की है, इसको लेकर बैठक भी होगी। और साथ ही बता दें कि जोशीमठ की जो तस्वीर है वे कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में सड़कों पर दरारें आ गई, जमीन अलग अलग पड़ी हुई नजर आ रही है, घरों में दरार देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जोशीमठ में जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं पर्यटक क्षेत्र को भी एक तरह से प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।